नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः दक्षिणाई क्लासरूम में। हम लोग बात कर रहे थे, प्रिज्म की बातें चल रही थी, तो तुरंत तुरंत जो है मतलब खेला शुरू करते हैं, क्योंकि हम लास्ट टाइम पे काफी स्लो स्लो बढ़े थे। प्रिज्म प्रिज्म को आज हमें खत्म कर ही लेना चाहिए। फिर प्रिज्म में अभी तक अपन बातें कर चुके हैं कुछ डेल्टा निकालने वाले सवाल, डेल्टा इज इक्वल आई प्लस ई माइनस ए, फिर कुछ सवाल, और कुल मिला के यहाँ तक हम ये पता कर चुके हैं कि प्रिज्म पढ़ना कोई टफ चीज नहीं है। बेसिकली दो इंक्लाइन यानी दो एंगल पे सरफेसेस हैं जिसको क्रॉस करके लाइट जा रही है, दो बार आपको स्नेल्स लॉ लगाना है और बस केला खेल लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ तक ये जो मतलब अभी तक जो बातें की थी हमने कि हमारे पास एक प्रिज्म है, हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब आप समझ गए कि एंगल ऑफ प्रिज्म कभी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लाइट इधर से गई, टकराई, इधर चली गई। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये वाले एंगल को आई बोला था अपन ने, ये वाले एंगल को अपन ने ई बोला था, ये वाले को आर वन बोला था, ये वाले को आर टू बोला था, ये वाला एंगल अपने पास पाई माइनस आर वन प्लस आर टू आया था, आर वन प्लस आर टू की वैल्यू ए के बराबर आ गई थी, डेल्टा जो था वो आई प्लस E माइनस ए। ये बातें जो है हमने CW अगर दोनों रहे तो ये प्रूव कर चुके हैं अपन। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज हम चाहते हैं कि ग्राफ बना लें किसका, डेल्टा का आई के साथ। तो आप हेडिंग डालना चाहें तो हेडिंग है हमारी ग्राफ बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड डेविएशन, या फिर आप डेविएशन मतलब डेविएशन किस तरह से वेरी कर रहा है इंसिडेंट एंगल के साथ, डेल्टा वर्सेज आई का ग्राफ बनाने का सपना है अभी हमारा। अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। अच्छा बहुत शानदार, बहुत शानदार। यहाँ का वन मान लेते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और यहाँ का म्यू मान लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा ग्राफ बनाने से पहले मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, देखना जरा आप ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं कि इसके बगल में एक और प्रिज्म बना रहा हूं, या फिर इसी प्रिज्म में ऐसा ही एक और प्रिज्म बना रहा हूं। देखना जरा ध्यान से, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये लाइट आपके ऐसे गई थी, ऐसे गई थी, ऐसे गई थी, ये आपने ये बोला वगैरह वगैरह। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यही लाइट जो मैं इधर से डालता, ऐसे ऐसे जाती, इधर चली जाती, पक्का पक्का ऐसा ही होता। क्यों होता? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जो है लास्ट से लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने बात की थी, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले केस में आपके लिए ये वाला एंगल जो है वो आई हो जाता और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ई, है कि नहीं यार। अच्छा और ये वाला एंगल क्या होगा, R1, और ये वाला एंगल क्या होगा, R2। डेल्टा की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, मैंने कहा I प्लस E माइनस E। क्या डेल्टा सेम आया है, यहां का डेल्टा और यहां का डेल्टा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो एक बात आप जानते होंगे कि एक ही डेल्टा के करस्पॉन्डिंग दो आई की वैल्यू हो सकती, एक आई और एक ई। आई की वैल्यू आई रखो या आई की वैल्यू ई रख दो, तो जो है जब आई की वैल्यू आप ई रखोगे तो ई की वैल्यू जो है वो आई के बराबर हो जाएगी और डेल्टा सेम सेम आएगा, है कि नहीं यार। एक छोटी सी बात ऐसी हमने यहाँ पे की, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज करते हो। अच्छा भाई साहब इसका कहीं काम आएगा ना आता। चलिए अब आप इसको दोबारा देखिएगा, आप देखिए और हम लोग चाहते हैं कि भाई साहब हम जो ग्राफ बनाए डेल्टा वर्सेज आई का, तो डेल्टा अपन जानते हैं कि आई प्लस ई माइनस ए होता है। काश मुझे ई मिल जाए, E अगर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, मैंने कि यहां से टाइम पास स्टार्ट किया, यहां से लिखा वन इंटू वन म्यू वन आपका वन हो गया इंटू साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर वन। क्या मैं यहां से आर वन को लिख सकता हूं, आर वन हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स ऑफ साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू, क्या बोलते हो, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शान। आर वन मैं क्यों पता कर रहा हूं, क्योंकि आर वन पता लग गया तो आर टू की वैल्यू होगी ए माइनस आर वन, क्योंकि आर वन प्लस आर टू क्या है, ए। फिर मैंने यहां पे लिखा ये यहां पे लिखते हैं म्यू साइन आर टू, साइन आर टू और आर टू क्या लिख दिया, ए माइनस आर वन, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। इसी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसी इक्वल टू होना चाहिए आपके पास वन इंटू साइन ई। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए E जो कि हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ए माइनस आर वन, लेकिन आर वन को मैं खुद ही क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू। परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, ये यहां बंद हो गया, ये यहां बंद हो गया और ये तीसरा वाला बंद कर देते हैं। अच्छा भाई साहब क्या मुझे E मिल गया, मैंने कहा
मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे चाहिए था डेल्टा, मुझे क्या चाहिए था डेल्टा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो डेल्टा की वैल्यू मेरे लिए क्या आ गई? मैंने कहा आई प्लस बी। ई कहा? मैंने कहा ये देख तो सही तू, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू, 1 2 3। अच्छा ये हो गया भाई साहब बहुत बढ़िया, ये ई आ गया माइनस ए। इस तरह से वेरी कर रहा है डेल्टा। अब देख रहा ध्यान से, डेल्टा इज फंक्शन ऑफ आई, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा? आई है, बाकी म्यू और ए तो कांस्टेंट है भाई साहब। अब तेरे को बोले बना ले ग्राफ, डेल्टा फंक्शन ऑफ आई दिया हुआ है, ग्राफ बना मस्त रहे एकदम। तो बोले भाई साहब मेरे को कभी कभी सरल रेखा एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला बनाने में दर्द होता है, सर्कल वगैरह में, ये पता नहीं क्या बहुत बता रहे हैं, इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं? इसको ग्राफ कंप्यूटर से बनाया जा सकता है, अपन से बनने वाला नहीं है। तो कंप्यूटर लोगों ने जो बनाया है क्या अपने को वो देख लेना चाहिए। मैंने कहा इसका जब ग्राफ बनाया जाता है तो ग्राफ आता कैसा है मैं आपको बताता है कि नहीं यार? ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, इस तरह का ग्राफ आता है। किसका? डेल्टा वर्सेस आई। तो लोग बोलेंगे भाई साहब पहले ही बताते कि ऐसा आता है, मतलब जब यही यही बताना था कि ऐसा आता है तो फिर ऐसा टाइम पास क्यों करवाया? अरे देख तू फिर बोलता है मैं कैसे मान लू कि ऐसा आता है। मैंने कहा देख इस तरह से फंक्शन निकाल दे, इसको प्लॉट कर, उसका ऐसा आता है तो तेरे को बताया कि भाई किस तरह से डेल्टा वर्सेस आई का कर्व आता और इसका ग्राफ ये। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत इसको देख के तेरे मन में आता कि पैराबोला टाइप का है, लेकिन फिर तूने देखा इधर की यह पैराबोला नहीं, क्योंकि तो क्वाड्रेटिक का होता है, तो ये पैराबोला नहीं है, ये पैराबोला नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं बताता हूं कि ये कैसा है, ये पैराबोला बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ये है आपके पास डेल्टा मैक्सिमम। क्या है? डेल्टा मैक्सिमम। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डेल्टा मिनिमम। क्या मिलेगा आपको? डेल्टा मिनिमम। अच्छा भाई साहब अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा मिनिमम के करस्पॉन्डिंग आई की एक वैल्यू आएगी आई, दूसरी वाली भी ई जो वैल्यू होगी वो ई के बराबर होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो है आई इज इक्वल टू ई, यानी दोनों ही दो सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी मिलेगी एंगल की जिसके करस्पॉन्डिंग जो है डेल्टा आपको मिनिमम मिलेगा, लेकिन डेल्टा मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग आई की दो वैल्यू मिल रही है कि नहीं यार? देखो जरा ध्यान से, ये मान लीजिए कि आई मिनिमम है, ये क्या है? आई मिनिमम है कि नहीं यार? अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो इस वाले केस में आपको जो ई मिलेगा वो 90 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आई जो मैक्सिमम आपको मिलेगा वो आपके पास 90 होगा, तो इस पर्टिकुलर वाले केस में ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो आई मिनिमम के बराबर हो जाएगी। तो अगर आप कोई भी बीच का कोई भी डेल्टा उठा लीजिए, टिक 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 टिक, इसके करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू मिल रही है आपको आई की। अगर मान लीजिए कि ये यहां पे इस पॉइंट पे मैंने कोई भी डेल्टा उठा लिया, यहाँ पे देख जरा इस बात को ध्यान से देख, कोई भी डेल्टा की वैल्यू उठा ली डेल्टा मिनिमम और डेल्टा से बड़ी, मतलब डेल्टा जीरो डेल्टा मिनिमम से लेकर डेल्टा मैक्स के बीच में कोई भी वैल्यू उठा ली, एक आई की वैल्यू यहां मिलेगी, दूसरी आई की वैल्यू यहां मिलेगी। माना कि यहाँ पे आई इज इक्वल टू एक्स है और ई इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू वाई होगा, ई इज इक्वल टू एक्स होगा भाई साहब। यानी कि आपका आई इज इक्वल टू एक्स और आई इज इक्वल टू वाई पे डेल्टा की दो वैल्यू मिलेगी, कौन सी वाली? डेल्टा डेल्टा मिलेगा। ये मैंने यहां से बताया था तेरे को, एक उल्टा कर लो, मान लो आई की वैल्यू आई रख लो, या आई की वैल्यू इन मतलब जो है ये अगर 30 और ये मान लो 60 हो, तो फिर आप इसको 60 रखोगे ये 30 हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर डेल्टा के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू आई। अच्छा एक डेल्टा ऐसा हुआ जिसके करस्पॉन्डिंग आई और ई दोनों एक ही होगी, एक ही इंसिडेंट एंगल होगा, वो आपके पास डेल्टा मिनिमम आया। अच्छा लगा तेरे को, बहुत बढ़िया लगा तेरे को, लगा कि वाह मतलब जो है ग्राफ जो है अपन ने बना लिया, इक्वेशन भी निकाल दी, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। ओहो वर्ड वर्ड में सीधा ग्राफ और बनाने का आता है। अब तो आप इक्वेशन के साथ भी बता सकते हैं कि डेल्टा इज फंक्शन ऑफ आई, ये देखो ये इस तरह इसका ग्राफ ही आता है। क्या ये पैराबोला है? मैंने कहा नहीं ये पैराबोला नहीं है। अच्छा अगर ये भी सेंट्रल वाला पॉइंट है, माना कि ये जो डेल्टा सेम सेम आया, ये वाली दूरी मान ली, ये वाले पॉइंट की जो दूरी है वो डी वन है, और ये वाले पॉइंट की दूरी जहां पे डेल्टा सेम सेम आया है ये डी टू है, तो डी वन की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे डी वन और डी टू है, या इसको मैं डी वन बोल दूं और इसको डी टू बोल दूं, तो एक डी वन जो है वो बड़ा आता है डी टू के कंपेयर में। कुल मिला के मास्टर आपको ऐसा बोल रहा है कि पैराबोला नहीं, पैराबोला तो बराबर आता, तो ये इधर की तरफ ज्यादा फैला हुआ है, कौन सी साइड में ज्यादा टिल्टेड है, कौन सी साइड में? राइट साइड में ज्यादा टिल्टेड है, मतलब ये थोड़ा इधर से ऐसे और उधर ज्यादा ऐसा फैला रहता है, यानी मोर टिल्टेड, पैराबोला नहीं है। सेकेंड बात क्या लिखी हमने? पैराबोला
नहीं है, ये पैराबोला नहीं है भाई साहब। अच्छा पैराबोला नहीं है तो नहीं है, पैराबोला नहीं है कुछ और है। तो बोले क्या है? मैंने कहा इसका ग्राफ है भाई साहब, ये खुद क्या है पता नहीं है। तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, है ना। मोर टिल्टेड टुवार्ड, मोर टिल्टेड टुवार्ड्स, मोर टिल्टेड टुवार्ड्स राइट, है ना, राइट की तरफ ज्यादा टिल्ट रहता है। अगर आप सेम डेल्टा के करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो सेंटर वाले आईज जो ये वाले पॉइंट से ये डी टू और ये डी वन हो, तो डी वन की वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी उधर की तरफ आपको जाता जाना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। और छोटी छोटी बातें अगर अपन इसी पे लिखें, मान लो कि नोट बना के इन बातों को अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, नोट बना गया, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ मैं पूरा ज्ञान जो है इस वाले पैराग्राफ का यहीं पे दे दूं। डी वन और डी टू क्यों बढ़ाई, ये तेरे को समझ में आ गया, पैराबोला नहीं है बात समझ में आ गई तेरे को, सिमेट्रिकल नहीं है, ज्यादा टिल्टेड है उधर की तरफ, ये भी तेरे भेजे में उतर गया। अच्छा भाई साहब और कुछ कहना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ, डेल्टा जब मैक्स मिलेगा, डेल्टा मैक्स कब मिलेगा? व्हेन डेल्टा मैक्स जब होगा तब क्या होगा, या तो आई की वैल्यू 90 डिग्री होगी या फिर ई की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, है कि नहीं यार? अच्छा भाई साहब आई की वैल्यू 90 होगी तब ई की वैल्यू क्या होगी, ये आई मिनिमम के बराबर हो जाएगा, और जब E की वैल्यू 90 होगी, है कि नहीं यार, जब ये जो I है वो I मतलब जो है मिनिमम के बराबर रहेगा, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, I मिनिमम, इस वाले केस में E 90 होगा और इस वाले केस में जब I 90 होगा तब आपके पास जो मिल रहा है वो E जो कि वो I मिनिमम के बराबर हो जाएगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लगा आपको, बहुत ही शानदार खूबसूरत। ओह हो, अच्छा डेल्टा मिनिमम के बारे में कुछ बता दो। मैंने कहा जब डेल्टा मिनिमम होगा, डेल्टा मिनिमम होगा, अगर डेल्टा मिनिमम होगा तब होगा, जब डेल्टा मिनिमम होगा तब क्या होगा, आई की वैल्यू ई के बराबर आ जाएगी, आई की वैल्यू ई के बराबर होगी, तभी आपको क्या मिलेगा, डेल्टा मिनिमम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपने एक बात को यहाँ पे साबित कर दिया है कि यार मतलब जो है एक बात तो साफ है कि हर डेल्टा के करस्पॉन्डिंग दो आई की वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट एक डेल्टा, वो कौन सा वाला डेल्टा है, वो डेल्टा मिनिमम है। यानी नोट में अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, है ही नहीं यार, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्सेप्ट डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम पे वो दोनों ही वैल्यू जो है सेम सेम हो जाएगी, यानी आई इज इक्वल टू ई। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मतलब हर डेल्टा के करस्पॉन्डिंग फॉर एवरी डेल्टा, फॉर एवरी डेविएशन एक्सेप्ट एक्सेप्ट आई डेल्टा मिनिमम, एक्सेप्ट डेल्टा मिनिमम देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ, टू वैल्यूज ऑफ इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, पेन काय मर रहा है भाई, तुम चलो, मन नहीं है तुम चलो, टू वैल्यूज ऑफ आई, अगर आप ध्यान से देखिए मैं ऐसे बोल दू, मान लो कि ये आई है, मान लो कि ये आई है, और क्या था, R1 था, R2 था, और क्या था, मैंने कहा और अपना था R1 R2 हो गया, और अपना था E, और अपना क्या था डेल्टा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, माना कि I वैल्यू मेरे लिए थीटा 1 है, माना कि ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये क्या है, ये थीटा 3 है, ये थीटा 4 है कि नहीं यार, और ये अपने पास जो है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 4 और ये थीटा 5 मान लेते हैं, है कि नहीं यार। अच्छा अगर आप आई की वैल्यू जो है वो थीटा वन रखो तो आपको क्या मिला डेल्टा, थीटा फाइव। एग्जांपल से मैं इसे समझाने की बात कर रहा हूं, हालांकि समझदार आदमी को पहली बातें समझ में आई। मैं अगर है ना आई की वैल्यू थीटा वन की बजाय ई के बराबर यानी थीटा फोर डाल दू ना तो भी ये डेल्टा थीटा फाइव ही आएगा, बस इस वाले केस में जब आई की वैल्यू थीटा वन थी तो ई था थीटा फोर, ये क्या था थीटा फोर, लेकिन जब ई की थीटा फोर को ही मैं आई बना दूंगा तो थीटा वन मेरे लिए क्या बन जाएगा, थीटा वन जो है मतलब एक बार ऐसे अब ऐसे जाने थीटा वन ही मेरे लिए जो है ई बन जाएगा, बाकी ये उल्टा हो जाएगा, मतलब थीटा आर वन आर टू और आई ए आर टू, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो आप समझ गए कि आई की दो वैल्यू आएगी थीटा वन एंड थीटा फोर, जो कि ई मतलब बेसिकली आई और ई है सेम एक डेल्टा की वैल्यू के लिए, है कि नहीं यार, बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा लगा ना। लेकिन एक डेल्टा ऐसा होगा उसका नाम क्या है, डेल्टा मिनिमम, उसके करस्पॉन्डिंग जो आई की वैल्यू आएगी वो एक ही आई, क्योंकि उस वाले केस में ये थीटा वन और थीटा फाइव यानी आई और आई ये जो है वो इक्वल हो जाते। अच्छा लगा तेरे को, ओहो ये जो भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उस वाले केस में, उस वाले केस में इन दोनों साइड में यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रिज्म के मीडियम क्या होना चाहिए, मीडियम दोनों साइड में मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, दोनों साइड में मीडियम सेम होना चाहिए।
अच्छा लगा अपने को, बहुत ही शानदार लगा भाई साहब। ओहो बहुत ही बढ़िया, ओहो हो बहुत शानदार। मिटाते हैं इसको और बढ़ते हैं आगे। कुछ 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 रिश्ते अपने को समझ में आए, बढ़िया। अब अगर अपन ध्यान से देखें, कुछ कुछ पॉइंट अपने को समझ में आए, आगे बढ़ना चाहिए अपने को। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी बातें, सारी बातों को एकदम समझ समझ के अच्छे से लिखें। नहीं आया हो समझ में तो दोबारा जा, मतलब जो है शिफ्ट बैक मार और दोबारा से एक बार देख ले, क्योंकि अगर एक ये तेरे को समझ में आ गया तो प्रिज्म का आज मतलब जो कोर पॉइंट कोर पार्ट है वो आज देख रहे हैं। आज प्रिज्म का अपन खेला खत्म कर देंगे, है कि नहीं यार? बहुत हो गया प्रिज्म, प्रिज्म मतलब ये सेकंड ही डे है तो बहुत हो गया प्रिज्म का, इतना रेस्पेक्ट बहुत हो गया। फिर अगर आगे बढ़ लेंगे और स्पेरिकल रिफ्रेक्शन की बातें करेंगे, लेंस वेंस की बातें करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि अपने मान लो कि भाई नोट नोट में इंपॉर्टेंट बातें लिख रहे थे, उसी कड़ी में एक एक चीज और लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। ये हमारे पास प्रिज्म है, ये हमारे पास प्रिज्म है, कलर लोगों को पता नहीं क्या भाव है। ये हमारे पास प्रिज्म है, ये वाला एंगल मान लीजिए कि क्या है, ए है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। और ये अपने पास मतलब इधर से आ गया, यहाँ टकराया, ये आई हो गया, बहुत बढ़िया। आर वन आर टू, ये ई हो गया, बहुत शानदार। आर वन आर टू, ओहो डेल्टा जो है हमारे पास आया था आई प्लस ई माइनस ए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये तो अपन पता कर चुके। अब अगर मैं बोलूं कि जब डेल्टा मिनिमम होगा, जब डेल्टा मिनिमम होगा, जब यानी व्हेन, जब डेल्टा मिनिमम होगा ऐसा तब होगा जब आई इज इक्वल टू क्या हो जाए, ई हो जाए, आई इज इक्वल टू ई हो जाए। अच्छा मतलब डेल्टा मिनिमम होगा तब आपके पास आई प्लस आई माइनस ए यानी टू आई माइनस ए हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू। अच्छा भाई सब बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। जब ये अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आई की वैल्यू है डेल्टा मिनिमम ए बाई टू हो जाएगी। अच्छा और अगर अपन ध्यान से देखें, और अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन एक चीज को बोल सकते हैं कि जब आई और ई सेम सेम हो जाएगा, आई और ई सेम सेम हो जाएगा, तो क्या ये आर वन और आर टू सेम नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर वन, और वन इंटू साइन ई ये तो आई के बराबर ही है, तो आई फिर म्यू इंटू आर टू यानी आर वन, और जब ये आई इज इक्वल टू ई होगा तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आर वन इज इक्वल टू आर टू होगा? अरे होना पड़ेगा ना भाई, वन इंटू साइन आई मस्ट बी इक्वल टू म्यू साइन आर वन, और म्यू साइन आर टू मस्ट बी इक्वल टू वन इंटू साइन ई, लेकिन वो तो वन इंटू साइन आई है क्योंकि तो सेम है, इसका मतलब फिर आर वन और आर टू क्या हो गए, सेम हो गए भाई साहब। आर वन और आर टू सेम हो गए तो आर वन प्लस आर टू हमारे लिए क्या होता है, ए होता है। तो अब अगर आर वन और आर टू सेम हो गए तो भाई साहब ट्वाइस ऑफ आर वन, ट्वाइस ऑफ आर वन बोल दीजिए या ट्वाइस ऑफ आर टू बोल दीजिए, है कि नहीं यार, वो ए के बराबर होना चाहिए, यानी आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लोग बोले क्यों निकाल रहे हैं ये रिश्ते, मतलब फायदे का सौदा आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे मतलब अच्छा जरूरी नहीं कि पास में ए हो, इसको मैं कुछ भी मान लेता, एन एन सराउंडिंग मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एन सराउंडिंग, इसको क्या बोल दिया मैंने, एन प्रिज्म, एन सराउंडिंग एन प्रिज्म। अरे जरूरी थोड़ी ए हो यार, मान लो कि एन एन या म्यू लिख रहा था मैं, म्यू लिख रहा था, म्यू सराउंडिंग म्यू प्रिज्म, म्यू प्रिज्म, म्यू सराउंडिंग म्यू म्यू प्रिज्म। अच्छा बहुत शानदार, इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को मैंने म्यू प्रिज्म बोल दिया और सराउंडिंग वाले को म्यू एस बोल दिया, और हम ये पहले ही बात कर चुके हैं कि दोनों साइड सराउंडिंग सेम होना चाहिए। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब मैं अगर ध्यान से देखकर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, स्नेल्स लॉ मेरे लिए क्या बोल रहा है कि वन नहीं म्यू प्रिज्म म्यू सराउंडिंग इंटू साइन आई, इंटू साइन आई मस्ट बी इक्वल टू म्यू प्रिज्म इंटू साइन आर वन। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखो तो आप बोलोगे भाई साहब कि मतलब जो है म्यू सराउंडिंग साइन आई, साइन आई जो है क्या मैं आई की जगह ये डाल सकता हूँ, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू, ऐसा डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता? डाल सकता हूँ, इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म साइन आर वन, साइन आर वन, आर वन की वैल्यू क्या होगी अगर आप ध्यान से देखें तो उसको क्या मैं ए बाई टू डाल सकता हूँ, बिल्कुल उसको डाल सकता हूँ साइन आर वन की जगह ए बाई टू। अगर आप ध्यान से देखें तो अब मैं इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं, यहाँ पे इसको इधर ले जाइए, म्यू प्रिज्म डिवाइडेड बाई म्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा,
आपने क्या किया है, म्यू सराउंडिंग इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म इंटू साइन आर वन, साइन आर वन की वैल्यू डाल दी ए बाई टू है ना, तो म्यू प्रिज्म यहाँ पे इसको ले आइए इधर, म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग, म्यू म्यू प्रिज्म, तो वो आ जाएगा आपके पास साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई ए प्लस साइन डेल्टा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू, तो एक महत्वपूर्ण रिश्ता जो है हमारे पास यहाँ आ रहा है, म्यू प्रिज्म डिवाइडेड बाई म्यू प्रिज्म डिवाइडेड बाई म्यू सराउंडिंग की ये वैल्यू मेरे लिए क्या आ रही है, ये रेशियो साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू है ना। इसको जो है रात को 2:30 बजे भी कोई उठा के पूछे तेरे को याद होना चाहिए, म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई टू। ये क्या है लाला, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा मिनिमम क्या है मिनिमम पॉसिबल जो डेविएशन आ सकता है वो तब आता है जब आई इज इक्वल टू ई हो जाए। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक छोटी सी बात और अपन थ्योरी की में अंदर बात करते हैं, फिर अपन इसके खूब सारे सवालों पे पढ़ते हैं। एक छोटी सी बात करते हैं, छोटी सी ऐसे क्या अपने एक ही बात कर रहे हैं क्या, ऐसा ये बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा, एक ही वैल्यू बहुत स्मॉल हो, एक ही वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो तब क्या होगा, तब क्या होगा, थोड़ा सा देखें अपन देखना चाह रहे हैं कि भाई एक मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है, खूब सवाल सॉल्व होंगे बोर्ड में, हो सकता है डेरिवेशन आ जाए, ये तेरे को समझ में आ गया। मतलब माना कि ऐसा हो कि ए बहुत छोटा, ए बहुत ही छोटा, अच्छा बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, मिट जाओ यार, मेरा दिल भी कितना, ए बहुत छोटा हुआ। इस तरह के प्रिज्म को प्यार से बोलते हैं, इस तरह के प्रिज्म को प्यार से बोलते हैं जिसमें ए बहुत छोटा हो, क्या बोला जाएगा थिन प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म, थिन प्रिज्म, आप हेडिंग डाल सकते हैं थिन प्रिज्म। अगर मान लीजिए कि प्रिज्म बहुत छोटा, बहुत छोटा तो लोग बोले कितना छोटा बे, एक ही वैल्यू 10 डिग्री या उससे कम हो, तो इस तरह के प्रिज्म को अपन प्यार से क्या कंसीडर कर लेते हैं, थिन प्रिज्म। अगर प्रिज्म एक ही वैल्यू बहुत छोटी होगी तो फिर आई ई आर वन एंड आर टू ये सब भी क्या हो जाएंगे, स्मॉल होंगे, ये भी स्मॉल होंगे, क्योंकि ए जो है वो क्या है आपके पास स्मॉल है। ठीक है, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहां लगाएंगे वन, मान लो कि एयर है सराउंडिंग में, तो आप क्या बोलेंगे वन इंटू साइन आई मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर वन। अब अगर ध्यान से देखें तो अगर आई ई आर वन ये सब लोग छोटे होंगे तो साइन आई को अपन क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर को क्या लिख देंगे मोटा मोटा इक्वल टू आर वन। और सिमिलरली मैं अगर यहां पे इस वाली सरफेस पे लिखूंगा तब मैं क्या ऐसा लिख पाऊंगा म्यू जो प्रिज्म का है इंटू साइन आर टू दैट इज इक्वल टू वन इंटू साइन ई है कि नहीं यार, इसको क्या म्यू इंटू आर टू इज मोटा मोटा इक्वल टू ई, तो क्या मेरे को आई मिल गया, क्या मेरे को ई मिल गया, ओहो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि डेल्टा मिल जाए, डेल्टा क्या होता है आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, आई की वैल्यू क्या डाल दूं मैं म्यू आर वन, ई की वैल्यू क्या डाल दूं म्यू आर टू माइनस ए, ओहो अच्छा अगर म्यू कॉमन ले लें तो ये आर वन प्लस आर टू बन रहा है ये, अगर आपको याद हो तो आपने पता है ना कि आर वन प्लस आर टू की वैल्यू ए आती है, तो ये पूरा कार्यक्रम क्या बन गया है म्यू ए माइनस ए, ए को कॉमन ले लीजिए आप तो ये खेला बन गया म्यू माइनस वन, अच्छा भाई साहब बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन ए। अच्छा ये जो है आपके पास जो है डेल्टा आ गया, कौन से वाले के केस में, थिन प्रिज्म के केस में, थिन प्रिज्म कौन सा होता है ऐसा प्रिज्म जिसका ए की वैल्यू 10 या 10 से कम होते हैं उसको मोटा मोटा अपन जो है थिन प्रिज्म मान लेते, ताकि अपन साइन थीटा को फिर थीटा लेके ये खेला खेल सकते। अच्छा इसको और अगर जनरलाइज करना हो, जनरलाइज अगर अपन करना चाहें तो जरूरी नहीं है कि पास में एयर हो, तेरे पास जो डेल्टा आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ए म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस वन। ये जो है बेसिकली आपको रात को 2:30 बजे भी कोई उठा के पूछे थिन प्रिज्म के केस में आप बता पाएंगे, सराउंडिंग अगर एयर होगी तो यहाँ पे आप क्या डाल देंगे वन, अच्छा भाई साहब बहुत ही बढ़िया बहुत ही खूबसूरत बहुत शानदार, अच्छा थिन प्रिज्म हो गया। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं कि वेव ऑप्टिक्स में इसका थोड़ा सा यूज आता है, कहाँ यूज आता है मैं बताता हूँ, हालांकि वेव ऑप्टिक्स में दोबारा आपको बताया जाएगा, एक छोटी सी चीज में आपको बताता हूँ आगे काम आएगी वेव ऑप्टिक्स, कहां पे
वेव ऑप्टिक्स। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना, आपने बहुत पहले ही बात की थी। वहां पे आप जाएंगे तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम मिलेगा आपको फ्रेसनेल, वो आपको बताएंगे बाइप्रिज्म का ज्ञान कुछ काम होता होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो, मतलब जो इंटरफेरेंस वगैरह करवाते हैं और कोरेंट सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो पता नहीं ये कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते होंगे जिससे कि दो लाइट के कोरेंट सोर्स बन जाते होंगे, बाई प्रिज्म की वहां जरूरत पड़ती होगी। तो बेसिकली एक चीज यहाँ पे यूज करते हैं, ये एक प्रिज्म यूज करते हैं जो कि कैसा होगा, थिन प्रिज्म होगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और यहां से इससे ए दूरी पे एक लाइट का सोर्स रख दिया, एक लाइट का सोर्स रख दिया, तो क्या होगा, यहां से लाइट जाएगी टप्पा खाने के बाद में इधर की तरफ कट लेगी, और लाइट को एक और मान लिया यहां से गई और ये टप्पा खाने के बाद में इधर कट ली, ये दोनों जो है वापस कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहां इसका एक और, अगर ये सोर्स वन होगा, मतलब एक इसकी इमेज यहां बनेगी, और तो अगर आप ध्यान से देखें और ऐसा एक और जोड़ ले, मान लो एक इमेज यहां बन जाएगी, ये आई वन और आई टू जो है फिर से दो कोहेरेंट सोर्स की तरफ बिहेव करेंगे, आगे इंटरफेरेंस हो, परेशान नहीं होने का, मैं इसे बता रहा हूं कि काम में आएगा, पढ़ाया जाएगा। अगर मैं ये वाली दूरी को पता कर लूं, ये वाली दूरी को मैं एस बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, एस। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज आप पाएंगे कि यार, मतलब जो है एक रे जो है, इसको मैं एक, मतलब जो एक रे को यहां पे लेके जा रहा हूं, यहां से एक सीधी रे लेके जाता हूं मैं मान लो, और वो भी जो है इधर से टप्पा खाते हुए जस्ट इसके इधर की तरफ जाएगी, है कि नहीं है। चलिए भाई साहब, तो इसका जो डेविएशन हुआ है मेरे लिए, इसका क्या हो गया है मेरे लिए, डेविएशन, क्या हो गया है, डेविएशन, ये बहुत ही स्मॉल है। अच्छा, इसमें इसके डेविएशन को बोल रहा हूं डेल्टा, क्या बोल रहा हूं, डेल्टा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रे है ना, मैं इसको ऐसे इसको लेके जा रहा हूं, ये टप्पा खाने के बाद में कुछ इधर से कट लेगी ऐसे, और ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही हो, टिक 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 यहां पे, और ये जा तो ऐसे रही थी, तो ये इसका जो तो डेविएशन हुआ होगा यही तो डेल्टा है यार, और ये डेल्टा और ये वाला डेल्टा क्या होगा, सेम, ये डेल्टा और ये डेल्टा सेम होगा। तो अब मैं क्या इस वाले ट्राइंगल में आ जाऊं, कौन से वाले में, ओ ये तो क्या यहां से मैं टेन थीटा लिख पाऊंगा, मैंने कहा टेन डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी मेरे लिए एस बाई ए, टेन डेल्टा की वैल्यू होगी एस बाई ए, डेल्टा तो इसको बहुत डेल्टा बहुत छोटा होगा तो इसको मैंने डेल्टा लिख दिया एस बाई ए, तो एस की वैल्यू हो जाएगी मेरे लिए डेल्टा इंटू ए, और ये थिन प्रिज्म होगा जिसका एंगल ए है, तो मैं डेल्टा को क्या लिख दूंगा, ए इंटू म्यू माइनस वन, और ये ए क्या है, ये स्मॉल है, तो क्या मेरे को ये दूरी पता लग जाएगी। अच्छा, और ऐसे ही इमेज टू बन रही होगी उसकी दूरी पता लग जाएगी, और फिर दोनों के बीच की दूरी पता लग जाएगी, इमेज वन और इमेज टू, हो सकता है कि लाइट के दो कोहेरेंट सोर्स बन जाए तो क्या उनके बीच की दूरी पता लग जाएगी, फिर उधर लाइट वाइट जाएगी, इंटरफेरेंस होगा, तो इंटरफेरेंस होने पे क्या पता मैक्सिमा मिनिमा ये वो सब बनते हैं ना, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद आ रही होगी, साउंड या स्ट्रिंग वेव ने, साउंड और स्ट्रिंग वेव में आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है, लाइट में जाके वो सारा खेला जाएगा, तो मतलब जो है वहां ये काम आता है, तो वहां पे कहीं इसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैंने बता दिया आपको थिन जो है प्रिज्म, थिन प्रिज्म होगा तो हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं, ए की वैल्यू अगर 10 या 10 से कम होगी तब अपन जो डेल्टा को ए म्यू माइनस वन या म्यू प्रिज्म अपॉन डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग माइनस वन, ये प्रूव किया जा सकता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे जाते हैं और अपन थोड़ा सवालों का खेला अब खेलते हैं ना, चलिए बोर्ड हो गया चकाचक, आइए सवालों का खेला शुरू करते हैं। पहला सवाल, मान लीजिए अपने एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक प्रिज्म है और कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिए, फॉर ए प्रिज्म बोला गया कि डेल्टा मिनिमम इज फॉर आई इज इक्वल टू 30 डिग्री, आई की वैल्यू जब 30 डिग्री है तब आपको क्या प्राप्त हो रहा है, मिनिमम डेविएशन। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, फिर बोला कि जब आई की वैल्यू 22 डिग्री होगी, क्या 22 डिग्री, जब आई की वैल्यू फॉर व्हेन आई इज इक्वल टू 22 डिग्री देन करस्पॉन्डिंग ई क्या होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, है कि इतनी इंफॉर्मेशन दी, म्यू वगैरह कुछ नहीं दिया, बोला कि डेल्टा मिनिमम जो है वो आई इज इक्वल टू 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, ठीक है, और तुमसे बोला कि जब आई की वैल्यू 22 डिग्री होगी
तब E की वैल्यू क्या होगी, और साथ में ऑप्शन ऑप्शन दिए हैं 30 माइनस 22 बी सी डी ऑप्शन। मान लीजिए कि मैं ऑप्शन दिए हैं 36 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री एंड 39 डिग्री। अब करके देख, तेरे को बोला कि फॉर ए प्रिज्म डेल्टा मिनिमम इज फॉर आई इज इक्वल 30 डिग्री, आई की वैल्यू रखती 22 डिग्री। अब बोल रहा है कि जब आई की वैल्यू 22 डिग्री होगी तब करस्पॉन्डिंग जो है ई की वैल्यू क्या होगी। देख आई जो 30 के करस्पॉन्डिंग तो ई की भी 30 होगा क्योंकि वहां पर डेल्टा मिनिमम है। जब आई की वैल्यू 22 डिग्री होगी तब ई की वैल्यू इनमें से क्या हो सकती है, सोच के देख। मैंने पहले बताया था जो जो पुरानी प्रॉपर्टीज वगैरह जो ग्राफ बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल सॉल्व करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। सोच के देख, वीडियो पॉज कर और सोच। अब तू अगर ध्यान से देखे तो तूने ये चीज देखी होगी कि यार एक डेल्टा के करस्पॉन्डिंग आई की दो वैल्यू आई थी और ये जो ग्राफ था वो इस तरह से फैला हुआ है ना, यहां पे 30 डिग्री है और यहां पे क्या होगा 22 डिग्री। तो ये वाली जो दूरी है ये शायद डी टू ली थी, ये 8 आ जाएगी। तो इसी के करस्पॉन्डिंग यहां पे ये वाली जो दूरी आएगी डी वन, ये 8 से पक्का बड़ी होगी, गारंटीड है, क्योंकि हमने बोला था कि राइट साइड में ज्यादा फैला हुआ होता है। तो 8 से ज्यादा होगी, इसका मतलब जो भी आपका यहां पे करस्पॉन्डिंग आई होगा, ये आई वन हो गया मान यहां पे, तो यहां का आई मैं जो है आई डैश बोल रहा हूं, वो वैल्यू पक्की इस बात की गारंटी है कि बड़ी होनी चाहिए 30 प्लस 8 से, क्योंकि 8 तो ये वाली दूरी होगी, ये वाली दूरी 8 से बड़ी होगी, यहां तक 30 हो गया आई, तो यहां का आई जो है इसके करस्पॉन्डिंग मतलब जो आई आएगा वो 30 प्लस 8 से बड़ा होना चाहिए, यानी 38 से बड़ा होना चाहिए आई की वैल्यू, है ना, आई डैश की वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन ए की है 39 हम यहाँ पे, है ना। तो डेटा इस तरह से एडजस्ट किया गया था कि 36, 37, 38 हो ही नहीं सकता है क्योंकि जो डिफरेंस है इनके बीच का वो 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 से बड़ा है 30 प्लस 8 38 हो गया, तो ये पॉसिबल है ऑप्शन। अच्छा, दो तीन ऑप्शन जो 38 से बड़े होते फिर नहीं बता पाते हैं ना, इसलिए एक ही ऑप्शन रखा गया ताकि तू आराम से सॉल्व कर पाए। चलो एक आध और सवाल देखते हैं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मान लो कि अपन बेटा कुछ ऐसा करें, मान लो कि हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म ये रहा भाई साहब, ये रहा प्रिज्म, और म्यू की वैल्यू तेरे को दी √2 और आई की वैल्यू मान लो तेरे को दे दी कितनी 75 आई ना देखे, मैं तुझसे बोलूं कि ए की वैल्यू क्या है 75 ठीक है, फाइंड डेल्टा मैक्स फॉर दिस प्रिज्म, इस प्रिज्म के लिए डेल्टा मैक्स क्या हो सकता है ये तुम्हें पता करना है ना, फाइंड द डेल्टा मैक्स फॉर दिस प्रिज्म। ए की वैल्यू 75 डिग्री थी, म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है √2 सराउंडिंग एयर मान लीजिए, कीजिए तुरंत डेल्टा। आप जो सोच के देख, पॉज करके करो, फिर उसके बाद अपन सॉल्यूशन पे जाते हैं। अपन जानते हैं कि वो डेल्टा मैक्स जब होगा तब आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई की वैल्यू 90 डिग्री होती है ना, या फिर ई की वैल्यू 90 डिग्री तभी डेल्टा मैक्स आता है। तो इसका मतलब आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 डिग्री, और आई की वैल्यू 90 डिग्री मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंस टाइप का होना चाहिए, टिक टिक टिक, ये वाला जो है क्रेजिंग इंसिडेंस टाइप का सीन बन जाएगा, हालांकि क्रेजिंग में 89.99999 वैसा वाला है कि नहीं यार, आई की वैल्यू 90 के आसपास 90 होनी चाहिए मतलब 89.999। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, क्रेजिंग इंसिडेंस होगा, क्या होगा क्रेजिंग इंसिडेंस। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और जब आई की वैल्यू 90 होगी तो ये ऐसे आ गई और ये वाला एंगल जो है आपके लिए R1 हो गया, क्या हो गया R1, तो 1 into sin 90 degree, 1 into sin 90 degree is equal to क्या होना चाहिए √2 into sin R1 है कि नहीं यार। तो ये 1/√2 आ गया है, sin R1 की वैल्यू किसकी वैल्यू sin R1 की, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई है 45 degree। अगर R1 की वैल्यू होगी 45 degree तो R2 की वैल्यू क्या होगी 45, इसमें से घटा दीजिए R1 प्लस R2 क्या होगा वो 75 होगा। ये अगर आपके पास है 45 तो ये क्या हो गया है 30 degree, ये 30 degree, ये वाला एंगल क्या आ गया तेरे लिए 30 degree, ये 30 degree हो गया। तो क्या ई ई पता कर लेगा तू, है ना,
ये जो है अब ये कहाँ आएगी, नॉर्मल से दूर दूर जाएगी ना इसे। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो है, अच्छा ए की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, ए की वैल्यू हो जाएगी रूट टू इंटू साइन 30 डिग्री, रूट टू इंटू साइन 30 डिग्री, हाँ 1/√2, 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू अपने पास आ गया है 1 इंटू साइन, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 इज इक्वल टू साइन ई, सॉरी ई की वैल्यू क्या आ गई है 45 डिग्री। तो अपने पास डेल्टा क्या हो जाएगा भाई साहब, पेन मर गए सारे, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, आई की वैल्यू क्या है हमारे लिए, आई की वैल्यू है 90 डिग्री, ई की वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या है 45 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार, तो ये आपकी पास वैल्यू हो गई है 135 माइनस 75 है कि नहीं है। चलिए तो ये 7 और 6 13 है ना, मतलब जो है आपके पास 60 डिग्री जो है वो आंसर आ जाएगा, 60 डिग्री कौन सी वाली सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में है ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्लॉकवाइज यहाँ पे भी क्लॉकवाइज, तो आंसर आई प्लस ई माइनस ए यानी 60 डिग्री जो है आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार। ठीक चलिए आगे अपन क्या कर सकते हैं इसमें, और सवाल मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लीजिए कि इसको अपन थोड़ा चेंज करते हैं, तुम्हें बोलते हैं कि ये जो प्रिज्म यूज कर रहे हैं आप, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, क्या है इक्विलेटरल प्रिज्म। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, और तुमसे बोला जाए कि डेल्टा मिनिमम बताओ, क्या बताओ डेल्टा मिनिमम फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है आपसे पूछा कि डेल्टा मिनिमम बताए है ना, मतलब सवाल क्या हो गया आपके लिए कि इक्विलेटरल का मतलब आप समझ गए ना कि ये 60, ये वाला क्या है 60, ये वाला क्या है 60 है ना। अच्छा भाई साहब और म्यू तेरे को क्या दिया हुआ है इसका, म्यू इसको एडजस्ट कर लेते हैं, म्यू की वैल्यू मान ले तूने तेरे को दे दी √3, क्या दी √3, वो सवाल में दी हुई, अब तुमसे पूछा है कि इसका डेल्टा मिनिमम बताए, डेल्टा मिनिमम क्या होगा इस वाले प्रिज्म से। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, ओहो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई क्या डेल्टा मिनिमम आएगा इसमें, डेल्टा मिनिमम देखें जरा ध्यान से। अब डेल्टा मिनिमम कैसे पता करें, हम जानते हैं कि जब डेल्टा मिनिमम होगा तो आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आई इज इक्वल टू ई हो जाएगा और आर वन इज इक्वल टू आर टू हो जाएगा, कितने हो जाएंगे ए बाई टू, तो उनकी वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी क्या, ओहो तो क्या मैं आई पता कर सकता हूं, मैंने कहा हाँ 1 into sin i must be equal to √3 into sin 30 degree, आर वन की वैल्यू हो गई, तो यहां से sin i की वैल्यू क्या आ गई है √3 into 1/2, यानी i की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री, क्या बोलते हो i की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और फिर यहाँ पे मान लो कि i की वैल्यू को पता लग गई अपने को ऐसे कट लेगा, तो i की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल अपने को चाहिएगी, ये कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे लगा दीजिए इस वाली सरफेस पे स्नेल्स लॉ, √3 into sin 30 degree 1/2 हो गया इज इक्वल टू 1 into sin e, तो क्या e की वैल्यू 30 डिग्री आ गई क्या, सॉरी 60 डिग्री ना 60 डिग्री आ गई। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो तुझसे क्या पूछा था, तुझसे डेल्टा पूछा था जो कि था i प्लस e माइनस a, यानी कि 60 प्लस 60 माइनस 60, आंसर क्या आ गया है 60 डिग्री, कौन सी वाली सेंस में, क्लॉक वाइज सेंस में है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार, बढ़ते हैं आगे और एक आध सवाल और देखते हैं। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब था कि अगर आपने सारी प्रॉपर्टीज और चीजों को ग्राफ को अच्छे से समझा है तो क्या है यार, यहाँ लेंस लॉ लगाएगा, यहाँ लेंस लॉ लगाएगा, डेल्टा पूछेगा और क्या पूछेगा, है ना, खूब सारे इस पे सवाल बनाए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो अगर अपन देखें तो ऐसे तो सवालों की मार्केट में कोई कमी नहीं है, मतलब हजारों सवाल बनाए जा सकते हैं, तो नीट के हिसाब से अपने काफी मतलब जो है बहुत इसको पढ़ लिया है, बाकी आप जो इसमें जितना भी पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से बहुत अच्छे से नोट वोट कर दीजिएगा, खूब सारे सवाल आप करने की कोशिश कीजिए, बाकी इसमें आगे जो है जब आप अपन यूज करेंगे व्हाइट लाइट वगैरह यूज करेंगे, अभी अपन जो भी यूज कर रहे हैं वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो दोबारा से प्रिज्म के बारे में छोटी छोटी बातें करेंगे, तो इस वाले खेला को अपन करते हैं यहीं पे खत्म। मैं आपको होमवर्क देता हूँ खूब सारा, आप उसको सॉल्व कीजिए और अच्छे से अगर आपने ये पढ़ा होगा सीखा होगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे,
बाकी आप जानते हैं कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे जा सकते हैं, बाकी मास्टर यहाँ पे हजारों सवाल घिस सकता है, उससे कुछ नहीं है। तूने अगर कॉन्सेप्ट सीख लिए, एक दो टफ टफ सवाल भी सीखे तूने, और मतलब जो है वैसे सीख लिए, तो जरूरत से ज्यादा सीखा है वो सीख लिए, तो फिर अब जो है तेरे पे डिपेंड करता है उसको अप्लाई कैसे करता है। तो एक बार एक दो बार तूने देखा कि भाई कैसे चीजें अप्लाई की जा सकती, धीरे धीरे तेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि यार कुछ बहुत ज्यादा टफ चीजें है नहीं, मतलब चीजें बहुत लिमिटेड है, यही तो फिजिक्स का फायदा है ना यार, मतलब कुछ ही बातें हैं, फिर सवाल में उसको लगाना होता है, तो ज्यादा परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। हम आज के खेला को यहीं पे समाप्त करते हैं, प्रिज्म में यही था, फिर से हम आगे भी रिफ्रेक्शन ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमारा जो रिफ्रेक्शन हो रहा है वो पहले सबसे पहले कहां हुआ था, इस वाली सरफेस से, ऐसी एक सरफेस से हुआ, फिर हमारे पास जो है दो दो सरफेस आ गई, तो मतलब एक एक सरफेस में हमने अपेरेंट शिफ्ट की बात की, तो पैरेलल सरफेस रखा, तो हमने बात की मतलब जो है स्लैब की बात कर ली, फिर हमने इन्हीं सब का यूज करते बीच में TIR और क्रिटिकल एंगल की बात कर ली, फिर अपन आगे बढ़े, तो हमने जो है आज जो है दो सरफेस को ऐसे एंगल पे रखा हुआ था, लाइट आई, दो बार रिफ्रेक्शन हुआ, तो इसको अपन ने जो है प्रिज्म के नाम से मतलब आज जो एक नई तरह की विचारधारा का भी हमने यहाँ पे समापन समारोह किया। आगे बढ़ेंगे तो ये रिफ्रेक्शन यहाँ खत्म नहीं होता है, आगे हम सरफेस स्फेरिकल ले लेंगे, मान लो ऐसा कुछ स्फेरिकल सरफेस ले लिया, यहाँ पे भी रिफ्रेक्शन, यहाँ पे भी रिफ्रेक्शन, तो ये खेला खेलेंगे अगले वाले लेक्चर में अपन, स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रेक्शन, और वहीं पे अपने स्टार्ट करेंगे लेंसेज की पढ़ाई। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप पूरा पूरा होमवर्क जो है जो भी मिल रहा है उसको करते रहिए। मास्टर हर वीडियो मतलब हर रोज हर लेक्चर में होमवर्क का नाम इसलिए लेता है क्योंकि मतलब जो है मेरे द्वारा किया गया सारा एफर्ट बेकार होगा या आपके द्वारा भी पढ़ना भी बेकार होगा तब तक ही जब तक आप खुद से सवालों को सॉल्व ना करें। एक बार आप साथ ही साथ खुद से सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और वो चैप्टर आपका पक्का अच्छा हो जाएगा। यही मतलब एक तरीका है और कोई पोलियो की दवा की तरह ऐसा नहीं है कि आपको दे दी जाए और आपको बोले कि ये चैप्टर आपका फिजिक्स का मतलब बहुत बढ़िया हो गया है, ऐसा कोई चीज नहीं है। आपको मेहनत करना होगा, आपको सवाल सॉल्व करने होंगे, बहुत सारी बातें होंगी ये ज्ञान की, आप अपना, अपने पढ़ाई का, अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।